मुझे गोरा दिखना है, कोई भी क्रीम दो मुझे गोरा दिखना है, आई डोंट केयर, मेरे को बस अपना रंग गोरा करना है, मेरे को और किसी चीज से मतलब ही नहीं है। आप मुझे कोई और क्रीम दिखाओ। चलो ठीक है, मैं यूट्यूब पे सर्च कर लूंगी। अरे यार ये क्या, गोरा नहीं होना चाहिए, अपने रंग को प्यार करो, मुझे गोरा दिखना है तो गोरा दिखना है, बस मेरी जिद है, मैं जैसे मर्जी अपने चेहरे पे मेकअप लगा लूंगी, कुछ भी कर लूंगी, मुझे गोरा दिखना है, मेरी जिद है बस। वो इतनी खूबसूरत लगती हैं जो लड़कियां गोरी होती हैं, उनके पास सब कुछ होता है, उनकी शादी होती है अच्छे लोगों के साथ, उनको जॉब्स मिल जाती है, उनको पढ़ाई में अच्छा मिलता है, उनको सब कुछ अच्छा होता है यार, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। मेरे को अपना रंग नहीं पसंद, मेरे को बस गोरा होना है, मेरी जिद है, चाहे मैं जैसी मर्जी दिखूं, मेरे को गोरा रंग अपने चेहरे पे लगाना है, मुझे गोरा ही दिखना है। और फिर गोरा होने के बाद ऐसा होता है, जो लोगों को गोरा होने के लिए मेकअप लगाना पड़ता है ना, ये सब फेस करना पड़ता है, जरा सा भी मेकअप चूक जाए तो नीचे से जो असली रंग है वो नजर आता है। गर्दन पे लगाओगे, फिर गर्दन पे खत्म हो जाएगा, फिर हाथों पे लगाओगे, फिर हाथों पे खत्म हो जाएगा, फिर पूरी बॉडी पड़ी है तुम्हारी, कहीं घूमने जाओगे अगर तुम शॉर्ट ड्रेस पहनोगे तो लेग्स पे भी फाउंडेशन लगाओगे, कहाँ कहाँ फाउंडेशन लगाओगे, कहाँ कहाँ से गोरे होगे। ये कारण है जिसकी वजह से मुझे फेयर एंड लकी बिल्कुल नहीं पसंद। आपको पता है मैं उसका नाम नहीं ले सकती इसलिए मैं उसको फेयर एंड लकी बोल रही हूँ, लेकिन आपको पता है उसका असली नाम क्या है, आपको वो नहीं यूज करनी, क्योंकि ऐसी चीजें आपको प्रमोट करती हैं गोरा होने के लिए, जबकि रियलिटी क्या है, ये ऐसे होते हो आप गोरे, दिख रहा है आपको? आपको अगर नहीं दिख रहा ना, मुझे देखो और महसूस करो, ऐसे आपको लोग देखते हैं। अब समझ आया मैं क्यों मना करती हूँ, मुझे वीडियो में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, जैसी मैं दिख रही हूं ना अभी आपको, ऐसे आप दिखते हो लोगों को, ऐसे आप दिखते हो अपने सामने वाली लड़कियों को, अपने जॉब वाले लोगों को, अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, आप ऐसे दिखते हो। वो कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आपकी जिद है आपको गोरा होना है। और अभी अगर मैं इसको रिमूव करके आपको अपनी रियल स्किन दिखाऊं, क्या तकलीफ है इस रंग में, क्या तकलीफ क्या है, ये मेरा असली रंग है, इसमें क्या तकलीफ है? अगर ये रंग दो शेड और डार्क होता, दो शेड और वाइट होता, तो तकलीफ क्या है? ये भगवान जी ने स्किन दी है, इसको मैं जितना मर्जी चाहूँ, चाहे इंजेक्शंस लगवाऊं, चाहे कुछ भी करूं, मेरी डेस्पिरेशन, मेरी चाह, मेरी बेफजूल की चाह मेरे चेहरे पे नजर आएगी, हमेशा नजर आएगी कि कितने बेफजूल तरीके से मैं बस गोरे होने की चाह में अपने आप को कैसे जोकर दिखाती हूँ। आपकी स्किन की रियलिटी नजर आ जाती है, आप चाहे मेकअप से छुपाओ, आप चाहे जिस मर्जी चीज से छुपाओ, जो रियलिटी है वो नजर आ जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करो, जैसी भी स्किन दी है उसकी केयर करो, उसको ग्लो करवाओ, अपने आप को सुंदर महसूस करवाओ स्किन की केयर करके, कोई दाग धब्बे हैं उनको हटाओ, ठीक है? छोटे मोटे तो मेरे भी होते हैं, तो क्या मतलब मैं अब डिप्रेशन में चले जाऊंगी इस वजह से? नहीं, नहीं जाना। अगर आपको आपकी स्किन की वजह से कोई नीचा दिखा रहा है ना, तो मेरी बहन, मेरी जान, आपको उन पे तरस आना चाहिए कि उनकी सोच कितनी मटीरियलिस्टिक है, कितनी छोटी है कि वो आपको स्किन के बेसिस पे जज कर रहे हैं। वो लोग ही आपके लिए सही नहीं है जो आपको ऐसे महसूस करवाते हैं कि आपकी बाहर की त्वचा, बाहर के शरीर को देख के आपको जज करते हैं। आप अंदर से कितने अच्छे हो वो जानने की वो कोशिश भी नहीं करते, और बाहर से देख के बस मना कर देते हैं और आपको पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग ही आपके लिए सही नहीं है, तो आप उन लोगों की वजह से अपने शरीर को कैसे बदलने के लिए इतने महंगे खर्चे, इतने पंगे लेते हो? खुद को जानो, खुद को पहचानो और खुद से प्यार करो। ये मेरी नेचुरल स्किन है, इसमें मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ, आपके सामने अभी वॉश की है। कभी भी आप कुछ भी फेयर एंड लकी जैसी कोई भी क्रीम अप्लाई करते हो, तो आप याद रखो कि वो क्रीम आपकी असली पहचान छुपाती है, और ऐसी पहचान लेके आपने करना भी क्या है गोरे रंग को, जो असलियत है ही नहीं, जो आपको पता है कि अगर शादी कराने के लिए आप वो यूज कर भी लो, शादी के बाद तो आपकी नेचुरल स्किन दिखेगी ना आपके ससुराल वालों को और हस्बैंड को, ठीक है? कितना झूठ बोल लोगे, असलियत तो और छोड़ो, किसी सबसे छुपा लो। आप जब रात को आईने के सामने जाके अपना मेकअप उतारोगे, मुंह धोओगे, तब तो तुम्हें असलियत महसूस होगी ना कि मेरी असली स्किन ये है, तो उसी से प्यार कर लो।
क्या कर सकते हो, भगवान जी ने दी है ऐसी शक्ल, उससे प्यार करो, वो जैसी मर्जी है, ये मेरी स्किन है, आई लव माई स्किन, कभी ड्राई है, कभी पिंपल है, कभी दाग है, कभी कुछ है, लेकिन आई लव इट, मुझे इसका ख्याल रखना अच्छा लगता है। तुम भी ऐसे ही करो, इसको ग्लो करवाओ, इससे दाग धब्बे हटाओ, लेकिन इसके रंग के पीछे मत जाओ, क्योंकि मैं डॉक्टर हरनीत, बींग डॉक्टर हरनीत, मैं आपकी 1% मदद नहीं कर सकती। अगर आप मुझे कमेंट पे या कभी लिख के मैसेज पे बोलोगे ना कि मुझे रंग गोरा करना है, रंग गोरा करना है, आई एम सॉरी, मेरे हाथ खड़े हैं, जो आपका रंग गोरा कर सकता है आप उसके पास जाइए, मैं आपका रंग कभी गोरा नहीं कर सकती। मैं आपको ग्लो दे सकती हूँ, पर आपको गोरा कभी नहीं कर सकती, और ना ही करूँगी, तो ना ही मुझे बोलें, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं करूँगी, नहीं तो रूड रिप्लाई करूँगी, बिकॉज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जब कोई गोरे होने की बात करता है, क्योंकि इससे आप जिन लोगों का रंग थोड़ा डार्क है उनको बुरा महसूस करवाते हो। सो इसलिए ऐसे मत करो, रंग भगवान की देन है, इसके साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि ये तो ऐसा ही रहेगा। अंदर से ऐसे स्माइल करो तो डार्क रंग की लड़कियां भी कितनी खूबसूरत लगती हैं, नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया उनमें ही झलकती है। तो इन चीजों को समझो, सीरियसली लो, और फेयर एंड लकी जैसी क्रीमों को प्लीज मत यूज करो, क्योंकि वो चीजें देख ही लिया आपने क्या करती हैं। सीरियसली, कोई बच्चा नहीं है आजकल, हर कोई मैच्योर है, सबको नजर आती है असलियत। आप वैसे दिखते हो, जैसे मैं अभी दिख रही थी ना, आप वैसे दिखते हो सब लोगों को, चाहे मेकअप अप्लाई किया हो, चाहे आपने फेयर एंड लकी अप्लाई किया हो, कुछ भी अप्लाई किया हो, फेयरनेस क्रीम्स को करो ना, और अपनी नेचुरल स्किन की करो केयर, ठीक है। इसी में आपका भला है, इसी में मेरा भला है, और इसी में उन सब लड़कियों का भला है जिनको रंग की वजह से लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम नहीं शुरू करेंगे ना, तो उनको किसी ने और ने नहीं शुरू करना, ठीक है। मैं इस चीज का बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि मेरे पास ये रंग है, इसके वजह से मैं उन लड़कियों के लिए आवाज उठा सकती हूँ जिनका रंग डार्क है, क्योंकि अगर मैं नहीं उठाऊंगी ना, तो उनकी आवाज तो वैसे कोई नहीं सुनता। तो मैं ये प्लेज लेती हूँ कि मैं कभी भी किसी इंसान का जो मेरे को बोलेगा ना गोरा रंग करना है, मैं उसका साथ नहीं दूंगी। आप भी इन चीजों से पीछे हटिए, गोरे रंग में कुछ नहीं रखा है, अंदर की जो आपकी क्वालिटीज है उनको बाहर लेके आओ, अंदर से जो ग्लो है वो बाहर लेके आओ, इन गोरे रंग वाली चीजों से आपको कुछ नहीं मिलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप एक ब्लैक कलर का हार्ट मेरी वीडियो के नीचे जरूर बनाएं, जिससे मुझे पता लगे कि आप रिस्पेक्ट करते हो डार्क स्किन लड़कियों को। थैंक यू सो मच, एंड डू थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो। अगर नहीं अच्छी लगी तो थम्स डाउन कर देना, समझ जाऊंगी आपको मेरी सोच अच्छी नहीं लगती, लेकिन अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय।